दोस्तों घूमने के लिए हम अधिकतर हिल स्टेशन, बीच या कोई धार्मिक जगह डिसाइड करते हैं, पर क्या कभी आपने कोई ऐसी जगह जाने का सोचा है जो वहाँ पर बने खूबसूरत ब्रिज की वजह से फेमस हो? ब्रिज या पुल आमतौर पर पहली चीज नहीं होती है जिसके बारे में आप सोचते हैं कि छुट्टी पर वहाँ जाना है, लेकिन ये अनदेखे मार्ग ही कई बार आर्किटेक्चुरल चमत्कार हो जाते हैं। चाहे ये वाहनों के लिए हो या पैदल चलने वालों के लिए, एक पुल दो स्थानों को जोड़ता है, भले ही वो सिर्फ एक नदी के दो किनारे क्यों ना हो। ये स्ट्रक्चर लोगों के लिए सुविधाजनक तो है ही, साथ ही कला के सुंदर और इंजीनियरिंग के प्रभावशाली कार्यों को देखने के लिए एक शानदार जगह भी है। जब आप एक सुंदर पुल पर खड़े होते हैं तब वहाँ के दृश्य की सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। कुछ जगहों पर जैसे कि न्यूयॉर्क शहर, पुल सिटी स्काईलाइन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाते हैं। यही कारण है कि पुल दुनिया के महान पर्यटक आकर्षण में से भी एक है। तो दोस्तों, दुनिया के कुछ वेल नोन और भव्य पुलों पर आइए हम एक नजर डालते हैं। काउंटडाउन शुरू करने से पहले हमारे चैनल ट्रिप एक्सट्रीम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। नंबर 15, सिडनी हार्बर ब्रिज, ऑस्ट्रेलिया। ये ब्रिज शहर के आइकॉनिक ओपेरा हाउस के करीब स्थित है और दुनिया में सबसे अधिक पहचानने वाले दर्शनीय स्थलों में से एक। ये स्टील आर्क ब्रिज सिडनी स्काईलाइन का एक प्रमुख हिस्सा है। 1932 में खुला ये ब्रिज अभी भी दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्क ब्रिज है। नंबर 14, गोल्डन गेट ब्रिज, कैलिफोर्निया। ये कैलिफोर्निया ब्रिज गोल्ड नहीं लेकिन नारंगी रंग का है, जो कि इसके नेचुरल सराउंडिंग को कॉम्प्लीमेंट करता है और इसको अलग दिखाता है। ये पुल 1937 में शुरू हुआ था और ये दुनिया का सबसे लंबा और ऊंचा पुल था। ये पुल सैन फ्रांसिस्को शहर को सैन फ्रांसिस्को बे से पैसिफिक ओशन के ऊपर जोड़ता है। दोस्तों, नंबर 13 पर है ब्रुकलिन ब्रिज, न्यूयॉर्क। यूएस में सबसे अधिक पहचानने वाले पुलों में से एक ब्रुकलिन ब्रिज दो बोरो के बीच सिर्फ एक प्रवेश द्वार से अधिक है। ये वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर का एक भव्य टुकड़ा भी है। 1883 में दुनिया का पहला स्टील वायर सस्पेंशन ब्रिज बना। पीटी बर्नम ने 1884 में पुल के ऊपर 21 हाथियों की मार्च कराई, बस ये दिखाने के लिए कि ये पुल कितना मजबूत है। नंबर 12, खाजो ब्रिज, इस्फहान, ईरान। ये विशाल स्ट्रक्चर ज़ैंद्रुद पर एक पुल और एक बांध के रूप में काम करता है, जो ईरानी प्लेटू पर सबसे बड़ी नदियों में से एक है। पुल में 23 आर्क्स हैं जो पेंटिंग और टाइल्स के काम से सजी है। दोस्तों, 11वें नंबर पर है रूट ब्रिजेस, चेरापूंजी। भारत में कई लिविंग रूट ब्रिज है पर चेरापूंजी का शहर उनके लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। भारत बांग्लादेश की सीमा पर स्थित ये शहर दुनिया के वेटेस्ट एनवायरनमेंट में से एक है, इसीलिए स्थानीय लोगों ने यहाँ रबड़ के पेड़ों के जड़ों को खींचकर, घुमाकर और बांधकर पुल को विकसित किया उसको सही दिशा देने के लिए। इसका परिणाम है जटिल नार्निया जैसे पुल जिसके बारे में हम सिर्फ किताबों में ही पढ़ते हैं। नंबर 10, किंताई ब्रिज, इवाकुनी, जापान। 1600 के दशक में बना ये ब्रिज आज भी जापान का सबसे प्रसिद्ध पुल है। इसकी विशेषता इसका प्रभावशाली आर्क पैटर्न है, जो चार पत्थर और दो लकड़ियों के खंभे पर स्थापित 5 आर्क से बना है। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि इस पुल के निर्माण में एक भी कील का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि लकड़ी के इंटरलॉकिंग टुकड़ों का उपयोग किया गया इसको मजबूत बनाने के लिए। बाद में पुल को तांबे की चादरों से मजबूत किया गया। नंबर 9, शेंगयांग विंड एंड रेन ब्रिज, लिजू, चाइना। इस ढके हुए पुल को शेंगयांग के योंगजी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रभावशाली 3 मंजिला पुल पत्थर और लकड़ी से बना है, जिसमें 5 मंडप और 19 बरामदे शामिल हैं। ये आसपास की जगह देखने के लिए परफेक्ट स्थान है। दोस्तों, नंबर 8 पर है ड्रैगन ब्रिज, दा नैंग, वियतनाम। ये अपने में ही एक अनोखा ब्रिज है। इस 2100 फुट ऊंचे ब्रिज पर एक सजावटी ड्रैगन है। इतना ही नहीं, इस पीले स्टील के ड्रैगन में हजारों LED लाइट्स हैं और ये मुंह से आग भी निकालता है। आप सोच रहे होंगे कि ये ड्रैगन ट्रैफिक के लिए खतरनाक होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये कारों के रास्ते से अच्छी तरह से बाहर रहता है। वियतनाम के युद्ध के बाद दनैंग के ऊपर उत्तर वियतनाम के 38 एनिवर्सरी के सम्मान में ये पुल 2013 में खोला गया था। नंबर 7, हेलिक्स ब्रिज, मरीना बे, सिंगापुर। ये पुल अन्य पुलों की तरह प्राचीन नहीं है,
पर यह एक लुभावनी दृष्टि जरूर है। ये पैदल यात्री पुल 2010 में खोला गया था और मानव डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल से बहुत प्रेरित है। इस पुल की रंगीन आश्चर्यजनक रोशनी के अलावा पुल को छाया देने के लिए कैनोपी के साथ बनवाया गया था। नंबर 6 पर है स्टारी मोस्ट मॉन्स्टर। स्टारी मोस्ट का मतलब है ओल्ड ब्रिज। ये मूल चूना या लाइमस्टोन ब्रिज 16वीं शताब्दी में खोला गया था और उस समय ये इस्लामिक आर्किटेक्चर का पूरे विश्व का सबसे अच्छा उदाहरण था। 1993 में क्रोशिया बोशिक वार के दौरान नष्ट होने से पहले ये पुल 400 से अधिक वर्षों तक बना रहा। 2004 में इसे फिर से बनवाया गया। नंबर 5, रियाल्टो ब्रिज वेनिस। वेनिस शहर पुलों का शहर है, लेकिन रियाल्टो ब्रिज यहाँ के सबसे पुराना स्ट्रक्चर है जो ग्रैंड कनाल को पार करता है। मूल रूप से ये पॉन्टून पुल के रूप में बनाया गया था वेनिस के फाइनेंशियल सेंटर और वित्त केंद्र तक पहुँचने के लिए। पुल अपने इतिहास के दौरान कई अलग अलग चीजों से बना था, इसीलिए ये कई बार गिरा और इसको फिर से बनवाया गया। फिलहाल ये पत्थरों से बना है और 1500 के दशक के अंत में ये पूरा हुआ था। दोस्तों, नंबर 4 पर है पॉन्ट अलेक्जेंडर थर्ड पेरिस। ये प्रसिद्ध फ्रांस का पुल पेरिस में सबसे सुंदर में से एक माना जाता है। इसकी सबसे सुंदर विशेषताओं में से एक है निम्फ, पेगासस, लायन और शेरुप्स की लोहे और पत्थर की मूर्तियाँ। पर इस पुल का सबसे अच्छा हिस्सा इसका महत्वपूर्ण स्थान है जो चांसल्स और नेपोलियन की कब्र के पास है। नंबर 3, जेकनी चेन ब्रिज हंगरी। ये सस्पेंशन ब्रिज डेन्यूब नदी के ऊपर 1849 में खुला था और तब से लेकर अब तक का इतिहास देख चुका है। 1945 में ये पुल जर्मन आर्मी ने नष्ट कर दिया था और 1949 में ये फिर से बना। इसकी सबसे खास बातों में से एक इसके पत्थर का शेर है। दोस्तों, नंबर 2 पर है चार्ल्स ब्रिज प्राग। ये प्राचीन पुल जो प्राग में वाल्वा नदी को पार करता है 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में बना था, जिससे ये शहर का सबसे पुराना पुल बन गया। इसे स्टोन ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, अब हम बात करेंगे नंबर 1 ब्रिज की, जो है टावर ब्रिज लंदन। लंदन के सबसे आइकॉनिक स्थलों में से एक टावर ब्रिज है, जो कम से कम 125 साल पहले बना था। ये एक ऐसा प्रसिद्ध लैंडमार्क है, इसीलिए इसे शेरलॉक होम जैसी फिल्मों में भी दिखाया गया है। इस पुल का फर्श कांच का है, जो लंदन के अच्छे दृश्य को दिखाते हुए टूरिस्ट के ऊंचाई के डर को चुनौती देता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ नया पुल। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं क्या आपने इनमें से कोई पुल देखा है। और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।